नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपीटीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एक बार ये वीडियो आप अवश्य देखें और मैं जो भी आपको आंसर बताऊंगा उसके साथ साथ पूरे सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त क्रियात्मक अवस्था या चौथा औपचारिक क्रियात्मक। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, क्योंकि अब संवेदी क्रियात्मक अवस्था में होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे ने विकास की निम्न चार अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे 0 से 2 साल तक का कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक क्रियात्मक जो अवस्था है वो 12 से 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, पहला शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में या डी प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों व्यक्ति में अपनी भावना और संवेग का जो दमन करने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में क्या है दोस्तों, काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अब ये कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ और डीपली बता रहा हूँ कि कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है तो ये किसने कहा है, कोल व ब्रूस ने। और कभी ऐसा भी बन जाता है कि बाल्यावस्था मतलब जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप कैसे हो जाएंगे बाल्यावस्था को। तो ये एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। रोज ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है। लो एक और क्वेश्चन हो गया कि अगर ऐसा पूछे ये छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है तो बाल्यावस्था, और किसने कहा है, रोथ ने। किल पैट्रिक ने इसे प्रतिवादात्मक समाजीकरण का काल कहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसका आंसर का भी डीपली बता रहा हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन के आंसर निकल जाएं। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी कि एक तरह से प्रकृतिवाद अगर आपने बीएड में भी पढ़ा होगा या कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें कौन से चिंतक ये कहते थे कि बालक को प्रकृति में, प्रकृति की, जैसे सुना होगा आपने, प्रकृति की गोद में उनसे खेलने का अवसर देना चाहिए। तो पहला रूसो, बी जॉन डीवी, सी इवान इलिच और डी फ्रेरे। दोस्तों इसका राइट आंसर है रूसो। इन्हीं का ही ये मानना था कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वतः ही सीखने का अवसर देना चाहिए। रूसो, जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल तथा सोशल कॉन्टैक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर, किसी भी अवस्था में बहुत अधिक, मतलब जो विकास होता है और जो सीखने की जो सीमा है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? पहला शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। इसका दोस्तों राइट आंसर है शैशवावस्था। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है, यह सीखने का आदर्श काल है। तो सीखने का आदर्श काल कौन सा है, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हो कि कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। वैलेंटाइन की डेफिनेशन आप देख सकते हो, कभी कभी कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था हिंदी में अनुवाद, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? ए किंग, बी फोनडाइक, सी ओलिवर या डी स्टैनले होल। दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टैनले होल। स्टैनले होल ने सन 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे यकायक, एकाएक होगा ये शायद, तो एकाएक होते हैं। तो ये 1940 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, यहाँ से ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है? पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था और डी औपचारिक क्रियात्मक। इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी औपचारिक क्रियात्मक। जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है
और वह गुणों की पहचान कर लेता है। दोस्तों ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? पहला 1 से 3 वर्ष, दूसरा 4 से 6 वर्ष, तीसरा 7 से 9 वर्ष या डी 12 से 17 वर्ष। दोस्तों इसमें जो अमूर्त चिंतन की जो बात की गई है इसका राइट आंसर 12 से 17 वर्ष है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान करने लगता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है 12 से 17 वर्ष 15 वर्ष तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता है? अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखना आपको कौन सा नहीं होता है। पहला गामक क्वेश्चन, दूसरा सांवेगिक विकास, सी मूर्त चिंतन या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मूर्त चिंतन। बालक की शैशवावस्था में गामक कौशल सांवेगिक विकास तो हो जाता है लेकिन मूर्त चिंतन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक अध्ययन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये हुआ था फ्रांस में। सी इसका राइट आंसर है, फ्रांस बाल मनोविज्ञानिक का प्रारंभिक अध्ययन फ्रांस से शुरू हुआ था। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? पहला मैकडूगल, बी कोहलर, सी वॉटसन और डी पावलो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे अगर कोई भी बालक देते हो तो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता है? पहला, ये दोस्तों ये शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आज की इस वीडियो में दोस्तों फिर इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।